नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये टोयोटा इनोवा है, तो इसमें टाइमिंग बेल्ट का जो वार्निंग लाइट है उसको अपन मैनुअली रिसेट करेंगे। टाइमिंग बेल्ट ऑलरेडी मैंने चेंज किया, तो अपने को वार्निंग लाइट रिसेट करने का है मैनुअली। तो आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ कि उसको रिसेट कैसे करते हैं। तो एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे तो उसका टिप बेल्ट का, टाइमिंग बेल्ट का यहाँ पे साइन है, वो कंटिन्यूसली ऑन है और गाड़ी अपनी स्टार्ट है। तो उसको अपन रिसेट करेंगे, और वो रिसेट के लिए फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे जो किलोमीटर दिख रहा है उसको ऑडियो में ही सेट करके रखना है। वो ट्रिप वन रहता है, ट्रिप बी आएगा और ये ऑडियो आएगा, तो ऑडियो में उसको सेट करना है और इग्निशन स्विच को ऑफ करना है। इग्निशन स्विच को ऑफ करेंगे और यहाँ पे जो पीबी, जो पुश बटन का जो, तो ये पुश बटन को अपने को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो इसको मैं प्रेस करता हूँ, 1 2 3 4 5, और इग्निशन स्विच को ऑन करना है। ऑन किया और इसको जो बटन को प्रेस किया मैंने उसको रिलीज़ करना है, छोड़ना है और वापस एक बार प्रेस करना है। तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 मतलब 50,000। तो आपको आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। कंपनी का ओरिजिनल 1.5 लाख रहता है, तो ये एक आया बोले तो 10,000 हो गया, 20 30 40 50 60 70 80 90, 1 लाख, 1 लाख 10 हज़ार, 1 लाख 20 हज़ार, 1 लाख 30 हज़ार, 1 लाख 40 हज़ार, 1 लाख 50 हज़ार, मतलब 1.5 लाख हो गया। और उसके ऊपर भी है 16 17 18 19 20, वही 20 बोले तो 2 लाख हो गए। तो आपको आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं 1.5 लाख, लेकिन मैं इसको 1 लाख सेट करूँगा। तो उसके लिए वापस दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बोले तो 1 लाख हो गया। और इसको मैं प्रेस करके रखूँगा 5 सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे जो TBL का लाइट है वो कंटिन्यूसली ऑन है, वो चला जाएगा, वो चला गया। तो ये अपना आगे नेक्स्ट डू अपना 1 लाख पे सेट हो गया, और यहाँ पे जो TBL का लाइट है वो भी चली गई। तो ये अपना वर्क डन हो गया। आपको मैं एक बार इग्निशन स्विच को ऑफ करके दिखाता हूँ। ऑफ किया मैंने, इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, चला गया, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।